मेरा सवाल है कि इस्लाम का एवोल्यूशन पे क्या पर्सपेक्टिव है? एवोल्यूशन पे इस्लाम का क्या पर्सपेक्टिव है? इस्लाम का एवोल्यूशन, एवोल्यूशन पे जी, इस्लाम तो कहता है एवोल्यूशन हुआ, हुआ अल्लाह ताला कहता है एवोल्यूशन हुआ, इंसान की जो सारी अब तक ये इंसान बनाई एवोल्यूशन से हुआ, लेकिन हम ये नहीं मानते कि एवोल्यूशन की जो डार्विन की थ्योरी थी वो सही है, ठीक ना। बीटल से इंसान बना ना बंदर से इंसान बना, ठीक ठीक है। कुछ अर्सा हुआ, दो डेढ़ दो साल हुए, नेशनल ज्योग्राफिक में एक रिसर्च आई थी, एक बंदे ने अपना एक मज़मून लिखा था, बीटल है, बीटल ने वो सिलेक्शन का हुआ चला, एक सिलेक्शन दूसरी सिलेक्शन तीसरी सिलेक्शन, और फिर जीन में भी तब्दीलियाँ होती रहीं, वो बीटल इंसान बन गए, नॉनसेंस है। फिर बंदर है तो नहीं, हाँ इंसान की अपनी डिवेलपमेंट हुई, इंसान एक अपनी स्पेशियल है, ठीक है, उसकी डिवेलपमेंट हुई और वो ऐसा ऐसा डेवलप होता गया। पहले इंसान था वो, जब हुआ तो जंगल में रहता था, जानवरों की तरह ही रहता था, उसमें शिकार करता था, और फिर उसके बाद लोहे से कुछ बनाना शुरू किया, फिर केव की ज़िंदगी आई, फिर वेजिटेशन की ज़िंदगी आई, वेजिटेरियन बना, एग्रीकल्चर डेवलप हुई, उसी से फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होती गई। अपने आप को देख लो, तुम लोग जो आज हो, बाकी का जाना है, एक जनरेशन गैप देख लो, तुम देख लो कि तुम्हें जो आईपैड और आईफोन और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फलां फलां चीज़ें आती हैं, हैं, तुम्हारी दादी को तसव्वुर भी नहीं था इसका, था नहीं था ना, ना नानी को पता था क्या चीज़ है ये, नहीं ना, बल्कि बाज़ों की अम्मा को भी नहीं पता क्या चीज़ है ये। इसका मतलब कि तुम्हारी ब्रेन डेवलपमेंट हुई, जिस तरह मॉडर्न होता गया ज़माना, जिस तरह इंसान की ग्रोथ होती गई और एक्सपोजर होता गया दुनिया में, सोचें बढ़ती गई हैं और इल्म बढ़ता गया, उस तरह तुम्हारी ब्रेन डेवलपमेंट के साथ साथ जो एक शौक़ था किसी चीज़ को रिसर्च का और एक्सप्लोर करने का, वो भी बढ़ता गया, ठीक। और ये है असल एवोल्यूशन, ठीक। पहले छोटी सोच थी कि जंगल की ज़िंदगी, केव की ज़िंदगी, आयरन की ज़िंदगी, एग्रीकल्चर की ज़िंदगी, एग्रीकल्चर की फार्मिंग शुरू हुई, छोटे छोटे टूल बनाना शुरू किए आयरन से, उससे ग्रो करना शुरू किया। अफ्रीका में अभी भी, अब तो शायद मॉडर्न हो गया, जब मैं मसलन 80s में मैं वहाँ था, बहुत सारे छोटे फार्मर जो थे वो छोटे छोटे होल्डिंग थी उनकी ज़मीन की, उस पर एक लंबा सारा एक कटलस होता है, कटलस कहते हैं उसको, तलवार की तरह की चीज़ होती है लेकिन सीधा एंगल नहीं होता, उसी से वो ज़मीन को थोड़ा सा नरम करके ना वहीं एक ग्रेन डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, क्रॉप उगा ली, मकई की फसल, मकई पता है ना क्या होती है जी। इसी तरह वहाँ होता है याम या कसावा, एक छोटी हो उनके पास होती थी, दो टूल होते थे, एक हो एक कटलस, और कुल उसकी एग्रीकल्चर टूल यही थे उनके पास, जिससे वो एग्रीकल्चर फार्मिंग किया करते थे। अब तो मॉडर्न फार्मिंग हो गया है, ट्रैक्टर है, इसी तरह यूरोप में, वेस्ट में यही है। अब यहाँ भी तुम एवरिजिनस का देख लो, अगर पुराने जाओ तो तुम्हें इनके टूल दिखाएंगे, वो एग्रीकल्चर किस तरह किया करते थे अपने ज़माने में, इनके पास हैं म्यूज़ियम, देखें कभी, यहाँ रह के अंधेरा चराकता है, अंधेरा जाके म्यूज़ियम देखो इनके, तो इनके यहाँ म्यूज़ियम है, उनमें वो चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है ना इंसान की, यही एवोल्यूशन है, ठीक है जी। बाकी बंदर से इंसान नहीं बना, इंसान इंसान ही था।